नमस्कार, विभा स्वाद रसोई में आज बन रही है रोस्टेड चना दाल और नींबू की बहुत ही बढ़िया तीखी चटपटी चटनी और साथ में नींबू का अचार। ये चटनी बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल नई है ये रेसिपी। तो वीडियो को पूरा देखिए, चटनी बनाइए, खाइए और पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नींबू की चटनी और अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से नींबू लिए हैं। इसी से हम अचार और चटनी दोनों बनाने वाले हैं। तो ये नींबू बढ़िया साफ होना चाहिए, धो करके इसे पोंछ लीजिए। और अच्छे जूसी नींबू हमें यहाँ पे यूज करने हैं। सबसे पहले हम नींबू को बीच से दो पार्ट में कट कर लेंगे, क्योंकि हम नींबू का जूस अलग करने वाले हैं और उसके छिलके अलग करने वाले हैं। तो इस तरह से सारे नींबू कट करके उनका हमें जूस निकाल लेना है। और बिल्कुल अच्छे से जूस नहीं निकालना है, हल्का सा छिलके में थोड़ा बहुत जूस रहने देना है, क्योंकि हम जूस से चटनी बनाने वाले हैं और नींबू के छिलकों से अचार बनाने वाले हैं। अब इसके साथ और क्या लिया हमने, देखिए 2 बड़े चम्मच चने की दाल जिसे हम रोस्ट करेंगे, 4-5 हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई हैं। आप नॉर्मल वाली मिर्च भी ले सकते हैं, उसके बीज निकाल दीजिए तो वो कम तीखी हो जाएगी, या फिर कश्मीरी पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। नमक यहाँ 1 बड़ा चम्मच लिया है, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा कम लिया है, हल्दी पाउडर हमने 1/2 छोटा चम्मच लिया है। और एक इसी के साथ में हमने सरसों ली है 1 छोटा चम्मच भर के। आप पीली सरसों भी यूज कर सकते हैं, काली पीली जो अवेलेबल हो वो ले लें। 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/2 छोटे चम्मच से थोड़ा कम हमने कलौंजी लिया है। कलौंजी को प्याज के बीज भी कहते हैं। और ये 1 छोटा चम्मच हमने मोटी सौंफ ली थी, थोड़ी से मेथी के दाने हैं 1/4 टीस्पून, और 1/2 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है। इसी के साथ में थोड़ा सा गरम मसाला लिया है हमने, 1/2 छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम। आप चाहें तो थोड़े से साबुत मसाले भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसमें सबसे पहले हमें नींबू का कट करके उनका जूस निकालना है। यहाँ देखिए मैंने सारे नींबू कट कर लिए, और कितने बढ़िया जूसी नींबू है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो जितने अच्छे जूसी नींबू होंगे उतनी ही ज़्यादा जूस निकलेगा और अच्छी चटनी बन के तैयार होगी। तो इसे इस तरह से हम पूरा निचोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, थोड़ा बहुत हमें इसमें जूस रहने देना है, क्योंकि इसे भी हम यूज करने वाले हैं, इसी से हम अचार बनाएंगे। तो सारे नींबू का जूस हम निकाल के अलग कर लेंगे और छिलकों को अलग रख लेंगे। ये देखिए इतना जूस इन नींबू में से निकला है, बस इसमें से वेस्ट बस ये बीज ही हैं, क्योंकि छिलका और जूस हम यूज करने वाले हैं। तो ये बीज हम फेंक देते हैं और छिलकों को अलग रखेंगे अचार बनाने के लिए। सारी तैयारी हो चुकी है, तो अब हम मसालों को भूनने के प्रोसेस में चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने चना दाल को रोस्ट करने के लिए एक तवे पे रखा है। आप कोई छोटा पैन ले सकते हैं या छोटी कढ़ाई यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, बस इसे भूनना है थोड़ा सा। तो यहाँ तवे पे मैंने चना दाल को डाला है। अभी सबसे पहले हम सिर्फ चना दाल डाल रहे हैं, क्योंकि चना दाल को भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी के मसाले झटपट भुन जाते हैं। तो ये देखिए जब थोड़ी थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई है यह दाल, थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने लग गया है, तो हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे और उनको इसी के साथ में रोस्ट कर लेंगे। ये मसाले जल्दी ही भुन जाते हैं और अब हमें फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी है। चना दाल भूनते समय हमने लो मीडियम फ्लेम रखी थी और अभी हमने लो फ्लेम कर ली है। हमने यहाँ पे जीरा, सौंफ और मिर्च डाली है। हमें कलौंजी, अजवाइन और राई को नहीं भूनना है। तो बाकी के मसालों को हम रोस्ट कर लेते हैं बिल्कुल धीमी आंच में, धीरे धीरे से, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है बाकी मसालों को, बस इनको अच्छे से सेंक लेना है। तो ये मसाले अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं, देखिए बहुत अच्छे से सारे मसाले भुन चुके हैं। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ज़रा देर के लिए इसको और चलाते रहेंगे, ताकि मसाले जलने ना पाए। फिर इसको ठंडा होने देंगे और ग्राइंड करेंगे। तो ये मसाले ठंडे हो चुके थे मेरे, मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाला है। अब जो कुछ भी बचे हुए मसाले थे सब हम इसमें डाल देंगे। तो ये अजवाइन और कलौंजी डाल रहे हैं, सरसों हमने डाल दी है, आप चाहें तो कलौंजी को साबुत भी यूज कर सकते हैं। नमक, हल्दी और काला नमक भी डाल देते हैं, सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसलिए हमने डाला है, नहीं तो ये तो पिसे हुए ही थे। गरम मसाला भी हमने डाल दिया। तो सारे मसाले एक साथ हमने मिक्स करके पीस लिया है। यहाँ देखिए इसको अच्छे से पीसना है, पर हल्का सा दरदरा रहने देना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पर बारीक करना भी है मतलब ज़्यादा मोटा मत रखिएगा इसे। तो अब इसमें से सबसे पहले हम नींबू की चटनी बनाने वाले हैं। तो नींबू के जूस में जितना
ये मसाला ऐड हो सकता है उतना हम डाल देंगे। बहुत गाढ़ा हमें ये पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि इसमें चने की रोस्टेड दाल है, वो जब जूस को एब्जॉर्ब करेगी तो फूल जाएगी, तो इसे थोड़ा पतला ही रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा गीला लग रहा है, तो आप अगर इसमें थोड़ा सा गीला लगता है थोड़ा और मसाला ऐड कर दीजिए, या आप मसाला मिक्स कर देती हैं और वो सूखा होने लग जाता है तो आप उसमें नींबू का जूस और डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें और मिक्स कर दिया है, इसे मिला लेंगे और ये बिल्कुल बढ़िया सी चटनी बन के तैयार है। तो बस इसी टाइम से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, और देखा आपने कितनी झटपट बन गई है ना, और तुरंत खाने के लायक है। ये बिल्कुल रेडी है, पर हम इसमें लास्ट में एक तड़का भी लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहले हम अचार बना लेते हैं नींबू का। अब जो मसाला बचा है उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, क्योंकि अचार के लिए नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो हम एक बड़ा चम्मच भर के नमक और डालेंगे इसमें। उसके बाद इसे मिक्स करके हम नींबू पे लगाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी की क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं डाला है। तो बस अब ये मसाला रेडी हो चुका है, और नमक के साथ में अब हम एक एक नींबू का छिलका उठाएंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐसे डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से डालेंगे, और एक साफ कांच के कंटेनर में, कांच का कंटेनर अचार के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप कांच का लें, वैसे आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है नींबू को। इसी तरह से हम सारे नींबूओं के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। बाद में हम हिलाएंगे तो ये मसाला ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभी जब हम नींबू के छिलकों में इसको डालेंगे ना, तो थोड़ा सा मसाला अंदर तक भी चला जाएगा, इसलिए हम अलग अलग नींबू पर थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल के रख रहे हैं। तो इसी तरह से सारे नींबू हम मसाला डाल करके जार में रखेंगे, और इसे हम रख देंगे धूप में 5 से 10 दिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम तड़का तैयार कर रहे हैं। एक छोटा चम्मच मस्टर्ड ऑयल हमने डाला है, इसको गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है कि इसमें से धुआं उठने लगे, नहीं तो मसाले डालते ही जलने लगते हैं। अब हमने इसमें राई डाली है 1/2 छोटा चम्मच से कम, और मेथी के दाने कुछ 10-12 दाने डाले हैं हमने। इनको थोड़ा सा चटक जाने देंगे। ये देखिए ये चटकने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगे। करी पत्ते से बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आता है, इसलिए हमने डाल दिया है इसको, पर ये कंपलसरी नहीं है। तो ये डालते ही करी पत्ते भी अच्छे से भुन गए हैं उसमें। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड कर देंगे, जिससे कि इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा रहेगा। नींबू की वजह से हमने पहले भी मिर्च डाली थी, पर ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी। तो हमने थोड़ा सा मिर्च भी डाल दिया है, और अब इसे हम चटनी पे डालेंगे। ये देखिए ये पूरा हमने तड़का चटनी के ऊपर डाल दिया है, और अब इसे चटनी में मिक्स कर देंगे। इससे चटनी का टेस्ट बिल्कुल ही निखर के आता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल भी इसमें आ जाता है ना, तो ये थोड़ी सी चिकनी हो जाती है, और आपने देखा चटनी हमने कितनी गीली रखी थी ना, काफ़ी इसने अभी एब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ी सी अभी और ये चटनी फूलने वाली है। तो अगर आपको ऐसे खानी है तो ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डालिए और इसे पतला कर लीजिए। पानी बिल्कुल नहीं यूज करना है, नहीं तो आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। अभी जबकि आपने सिर्फ नींबू का जूस डाला है, आप इसे काफ़ी दिन तक खा सकते हैं, 8 से 10 दिन तक कम से कम। और ये नींबू का अचार रेडी है, इसे 5 से 10 दिन आप धूप में रखिए, ये बिल्कुल बढ़िया अचार बनेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो चटनी आप 8-10 दिन तक खा सकते हैं, और अचार को आप कभी भी खा सकते हैं, मतलब जितने दिन चाहें उतने दिन खा सकते हैं। तो झटपट से ये चटनी बन गई है, इसे अभी खाइए, जब ये ख़त्म हो जाए तो आप अचार खाइए। इस तरह से थोड़े से नींबू के साथ में हमने चटनी और अचार बनाया है। चटनी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है और बहुत ही टेस्टी है, और नींबू का अचार तो अच्छा होता ही है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और पसंद आए तो आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कीजिए मेरे चैनल विभा स्वाद रसोई को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।